कंपनी का ये कुछ ऐसे हम शांति में खड़े हैं ना इसलिए तेज लगती है रोड तो तो पे थोड़ा सा वो होता है ना यूनिक फीचर यूनीक होता, होता है कुछ बढ़िया सा बट ठीक है मतलब बहुत कैजुअल लगते है किसी को अगर ऑफिस ले जानी है नॉर्मल लाइफ में चलानी है तो चल रहेगा एक बात बता ना बेस की बात में ये जो है ना कैट ये हट के ना एक बैंड पाइप आ गया डायरेक्ट मार्केट के अंदर okay. चौदह पंद्रह सौ रुपए की चीज है कैट हट जाती है डायरेक्ट बैंड पाइप इसी मफलर के अंदर कनेक्ट हो जाता है उससे क्या अच्छा। है कि ये अभी जो शोर कर रही है थोड़ा और शोर कर देगी <laughs> बट तो उसका है अरे ऐसा कुछ चला <laughs> है पुलिस वालों को पता भी नहीं चलता <laughs> अच्छा। पुलिस वाले कहते हैं अरे ये तो डिफॉल्ट ही लगा हुआ फिर तो सही है फिर तो सोच सकता हूँ किसी को कुछ पता नहीं चलता थोड़ी सी बेस बढ़ जाती है उससे थोड़ी सी लाउडनेस क्रिएट हो जाती है लेकिन हाँ बहुत ज्यादा बेस नहीं बढ़ेगी और ऐसा साउंड नहीं आएगा जो लोग सोचेंगे कि धक 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 साउंड आ रहा है वो नहीं

और भाई क्योंकि चौड़ी है ना भाई हुँ, हुँ, और पर्सनालिटी जो है अपनी वो ऐसी है एक बार बताता मोटरसाइकिल हमेशा शॉर्ट हाइट वाले और जो पतले तो लोग बड़े होते हैं चौड़े होते हैं उनके ऊपर फिर बहुत ही बड़ी वाली बाइक होती है वो उनके ऊपर शूट करती है वरना फिर ये वाली बाइक उनके लिए छोटी हो जाएगी आज हो जाएगी मतलब ये कम्फर्टेबल इसलिए है कि मेरे को थोड़ा एक कॉन्फिडेंस भी आता है मेरे पैर पूरे पहुंच रहे हैं और वेट ज्यादा नहीं है ठीक ठीक है कितने की पड़ रही है ये मेरे को पड़ी है तीन लाख सात दिल्ली में, में। हाँ जी इसमें कुछ चीजें लगी हुई है जैसे की मेरे को जो दिख रहा है जैसे की एक ये हो गया है रेडिएटर कार्ड ये एल्युमिनियम का रेडिएटर कार्ड है नीचे जो सम्डम दिख रहा है, है ये भी मेटल है अपग्रेडेड है।, है ये अपग्रेडेड है और एक ये कंपनी से लगा है हेडलाइट ड्रिल कंपनी से लगी है

ना उसका व्यू उसका टर्न नहीं हो रहा था वो ये अब क्या होता है मैं पूरा टर्न कर पा रहा हूं और मतलब काफी मुझे सही लगा ये उसका लुक भी आ रहा है इसका लुक भी भी आ आ रहा रहा है है इसका रोस्टर मोटरसाइकिल वाला लुक नहीं। नहीं। है ना ये ये मेरे को बार एंड्स जो है ना ये ज्यादा खूबसूरत लगते हैं अच्छा कुछ बाइक्स में ना बार एंड्स नीचे की तरफ माउंट रहते हैं वो भी आई थिंक इसमें भी है इसमें इसमें हो सकता है नीचे होगा और ये अड़ेगा नहीं यहाँ तक आएगा तो अड़ेगा नहीं एक बार करवा के देखना है

तीन चार पाँच पाँच चीजें कितने कितन रुपए की पड़ी थी ये मुझे पड़ी है तेरह हजार दो सौ साठ रुपए जिसमें लेग गार्ड का नहीं है लेग गार्ड मैंने बाइक के टाइम पे मुझे मिल गया था हाँ। तो ये तीन लाख मतलब मेरे को ऑल ओवर बाइक पड़ी है तीन लाख बीस हजार की तीन लाख बीस हजार रुपए की पड़ी है तो तीन लाख बीस हजार में क्या समझते हो ये वर्थ है

या फिर वो कीचड़ वाली बट इसका ना मैंने अभी सुना है रूमर्स भी है कि आ रहा है एक पार्ट लॉन्च हुआ है कुछ लोगों ने लगवाया है ये थोड़ा वाइड आ रहा है एक्सटेंशन के नाम से और वो दो तीन जगह पे मतलब मिल रहा था अभी बीच में नोएडा में सेक्टर 62 वाले पे तो प्लास्टिक रहा रहा। की चीज है मतलब वो है हाँ बस ये वाइड हो जाएगा ये ये रिमूव होगा जो मतलब इसी में ऐसी वो ये थोड़ा वाइड हो जाएगा बस ये तो मतलब ये वाला पार्ट पूरा पूरा ये मतलब हाँ ये पूरा पार्ट चेंज हो जाएगा इसके नीचे था तो इसका लुक खराब हो सकता है लेकिन अगर वो एक्सटेंशन लग गई ना यहाँ पे तो लुक शायद खराब ना हो यहाँ पे क्या फर्क पड़ रहा है ना पीछे से तो अच्छी लगेगी भाई लेकिन मिट्टी रुकनी चाहिए इंजन में से हीट कितनी आती होगी ट्रैफिक स्टार्टिंग में तो इतनी आती थी ऐसा लगता था मेरा जूता जल रहा है स्मेल आती थी फिर किसी ने बोला वो पार्ट

पहली बाइक ले ली भारी बरकम से गिरेगी टांग तोड़वा के <laughs> मारेंगे टांग तोड़ जाएगी बाइक नहीं दूंगा मैं नहीं। <laughs> तो आ, अच्छे से अभी बैलेंस वगैरह हो रही है अब ये मैं हाँ अब हाथ सेट हो गया था अभी टॉप स्पीड में कितनी चलाई है मैंने चलाई थी 110 क्रॉस करी हुई 110, है। तो 110 तो 110 में जब ये जा रही थी तो कोई वाइब्रेशन या फिर कोई हैंडलिंग की ऐसी प्रॉब्लम आई कि कुछ हिल रहा है या फिर कुछ और ये वाइब्रेट कितना होती है तो सो क्रॉस कर रखी थी वो अंडर पास से निकला हल्का सा पानी था मेरे को एक्सपीरियंस नहीं पे पे थे, तब फिर फिर है सीधा जो मैंने उछाल दी पानी में और पानी से उसके बाद वो नीचे टच हुई हैंडल ऐसे हुआ और एक सेकंड के लिए हार्ट बीट रुकी भाई की गया फिर बच गया लेकिन फिर धीरे <laughs> पता है टायर से तो ज्यादा कंप्रेस नहीं होता पानी अगर देखा जाए हवा की तरह तो पानी टायर के नीचे एक लेयर बना लेता है जिसकी वजह से टायर तुम्हारे अधर ही रह जाते हैं मतलब उसके बीच में स्पेस बन जाता है और फिर हैंडल हिल जाता है कार के साथ में भी होता है आपका स्टीयरिंग पूरा पूरा ऐसा हो जाता है जो टायर होते हैं वो जमीन से लगे ही नहीं होते पानी के ऊपर होते हैं कुछ मिली के लिए। उसी में ठोक इंसान वही तो आता तीन सौ किलोमीटर फुल टैंक पे बट वैसे अभी तक मैंने नोटिस नहीं किया क्योंकि मैं बहुत निकाली है जैसे पर्पज के लिए जैसे कभी राइडिंग गियर खरीदने गए या किसी से मिल रहा हूँ पहली बार बाइक खरीद ली राइडिंग राइडिंग गियर तो चाहिए राइडिंग के लिए लिए जाना चाहता हूँ बस तो अभी तक कोई प्लान बना ले जाने का नहीं अभी बस एक दो माउंट माउंट ले बस कैमरा के अभी मैं गो सीख गो रहा हूँ लद्दाख पहाड़ों पे मिलूंगा लद्दाख वैसे ये भी अच्छी बात है जिन लोगों ने जैसे स्टार्टिंग के अंदर उनको शौक नहीं है या फिर उनका कभी ड्रीम होता था यार मैं बाइकिंग एक बार कर लो यार ऐसे बनो कुछ लोग कहते होते हैं वो कभी उनके अंदर विल पावर क्रिएट ही नहीं हो पाती है

आप फोन कनेक्ट करते हो तो क्या प्रॉब्लम आती है? वो तो यार मेरे को को मैं तो कभी-कभी सोचता कंपनी मेल डालू कि भैया मेरे से पैसे ले लो एक एक वो रख लो तुम कोई जो होते हैं जो सॉफ्टवेयर डिजाइनर वगैरह कुछ ऐसा जुगाड़ कर दो कि फोन की बैटरी ना जाए पूरी फोन की बैटरी ले जाता मैप अच्छा है मुझे आदत है उसकी मतलब मेरे को आदत हो गई वो बहुत कूल फीचर है ये मैप इसमें आ जाता है हाँ। पर जब फोन निकाल के देखो फोन ऑफ नहीं कर सकता मैं ऑन हाँ। रहता है तो बैटरी खत्म हो हो जाती है 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 फिर लगता इनको कंपनी को यार फोन मैं... हीट हो जाता है हीट जाता बहुत भी होता असल में है। क्या है कि रियल टाइम पे जो है, वो ट्रांसफर हो रहे होते हैं आपके फोन से आपके फोन में इंटरनेट डाउन हो रहा होता है और पैकेट आपके फोन में वायरलेसली इस पे ट्रांसफर हो रहे होते हैं ठीक है ब्लूटूथ के थ्रू अब जब वो डायरेक्ट कनेक्शन चल रहा है सेटेलाइट से तुम्हारे फोन में आया फोन से यहाँ पे गया से तुम्हारे फोन में आया तो तुम्हारा फोन बन गया बीच का मॉड्यूल अब वो कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है अब जब वो कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है तो उसका जो प्रोसेसर है वो ज़्यादा वर्क कर रहा है उसकी वजह से हीट जनरेट हो रही है हीट जनरेट हो रही है तो बैटरी जो है वो और ज़्यादा हो जाती है लो तो फोन के हिसाब से तो बिगाड़ है लेकिन यहाँ पे इसके अंदर एक चार्जर भी है जिससे कि आप अपना जो फोन है वो चार्ज कर सकते हो बट मेरे को लग ऐसा लगता है कि इनको जैसे इन्होंने वायरलेस सिस्टम दिया ना बट हमने कोशिश की थी कि इस वायर से भी चला सके इसको बट वो चलता नहीं है तो इस वायर से चला चलाने वाला सिस्टम अगर बना दोगे तो पैकेट ट्रांसफर करना थोड़ा कम हो जाएगा और फोन हीट भी नहीं होगा और जो है आपकी फ़ोन की बैटरी भी बची रहेगी अब ये बताओ हेडलाइट रात को जब बारिश वारिश हो रही है क्योंकि दिल्ली भी में बारिश हो रही थी तो सही काम कर रही है लोग बात कहते हैं कि सही बार... कर रही है मेरे को, मेरे को सही लगा सही इसकी लाइट काफी सही है ठीक है एलईडी है तो कोई खर्चा भी करने की जरूरत नहीं लगी मुझे ब्रेकिंग कैसी है ब्रेकिंग बहुत सही लगी मतलब अल्टीमेट एकदम एकदम सही जगह पे एक्यूरेट जैसे लगा रहा हूँ मैं हुँ. जैसे यूज कर रहा हूँ रुक जाती है और सस्पेंशन कमर उमर कभी टूटी गड्ढा आ गया एकदम से कई एक बार तो तो मैंने जान के उछाली है और वो पूरी फील आती है मतलब बढ़िया है सस्पेंशन अच्छा है मेरा रीजन यही है मेरा यूट्यूब चैनल है के टू के प्रो के नाम से केट के प्रो के टू के प्रो और मैं उसपे वीडियो डाल रहा हूँ और आजकल बाइक का कंटेंट डाल रहा हूँ ट्रेवलिंग के लोग मिल रहा है आ रहे हैं क्वेश्चन आते हैं भाई भाई, हैं। भाई का चैनल जो है के टू के प्रो प्रो के टू के प्रो को जाके एक बार देखो कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर देना अब ये जो इसका इंजन है ना ये सेम ही है वो रॉयल इनफील्ड ने एक ही इंजन बना के ही हिमालयन के अंदर भी लगा दिया और भी इसके ऊपर बाइक और भी अभी आएंगी जो जो दिखने वाली है मार्केट के अंदर फाइव लॉन्चेस है रॉयल इनफील्ड के अभी Upcoming. अब अब अपकमिंग जो फाइव लॉन्चेस वेट कर रहे हैं एक के बाद एक वो लॉन्च करने वाले हैं बट ये जो है इसका कितना 40 40 का ही रेशियो है वो ये आप मानो कि 40 पीस का पावर 40 एनएम ऑफ टॉर्क 11 लीटर का इसका टैंक है 11 लीटर का टैंक ऐसा नहीं लगता कि यार अभी तक वैसे आपने लॉन्ग राइड तो नहीं। की नहीं।, नहीं लेकिन ऐसी अगर घुमाना हो आसपास

पॉइंट फाइव नंबर जो है वो उसके बहुत छोटी मोटी जैसे कि यहाँ कर... से मिट्टी उड़ती है ये सैलेंसर की जो साउंड है वो थोड़ी सी और इम्प्रेसिव हो जानी चाहिए थी ठीक है हल्की बहुत सी जो इनको हीट आती है और ये जो फोन का जो यहाँ पे फोन जो जि की जो बैटरी बिल्कुल ही डाउन हो जाती है है ना ये मैं सोचता हूँ तो अगर मैं डेवलपर होता मैं फ्री में दे देता दे कंपनी को बना के भाई लो तुम यार तुम ले लो कर दो, तुम चला। आप ऐसा आप कर दो काम आप ऐसा देता मॉडिफाई की ऑफ कर दो अब ये ना इशू भी बहुत गंदा है सोचो हमारे पास फोन एक ही है अब वो हमने कनेक्ट कर रखा हम कहीं जा रहे हैं रात बे रात हो गई भाई या फिर कहीं पे भी है दूर फोन की बैटरी डेड वहाँ पे क्या करेगा इंसान वो उसके चार्जर की केबल वो उन्होंने इसलिए अब ये उनके पास यही आंसर है मुझे लगता है कि आप चार्ज करो मैं घर से उठ के जा रहा हूँ केबल ले जाना भूल गया बस वही वो फिर दिक्कत है हो गया ना कांड फिर आप फंस गए फिर आप फंस गए तो ऐसे आप ना फंसो इसी के लिए हमारे वीडियोस देखते रहो ऐसे ऑनर्स आते हैं बताते हैं सच्चाइयाँ कि क्या है बाइक के अंदर क्या नहीं है अगर ये गोरिल्ला लेने का प्लान कर रहे हो ये दो चार जो चीज़ें हैं अगर आपको इनसे प्रॉब्लम नहीं है तो गोरिल्ला एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है वैसे के लिए गरीला है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए भाई हमें सब्सक्राइब कर लो लाइक कर लो फॉलो कर लो जहाँ पर भी देख रहे हो ना रील्स वगैरह या फेसबुक पर तो वहाँ पर फॉलो कर लिया करो और एक प्यारा सा कमेंट करके तो जरूर जाया करो नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ तब तक के लिए बाय बाय